सरदार पटेल नाम के बहुत बड़े नेता हो गए, सुना है कि नहीं? नाम सुना है? नाम उनकी स्मृति में 3,000 करोड़ का पुतला बनाया। कितने का? क्या मशीन नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं ना, लेकिन जब सरकार को यह मालूम है ये दलित लोग, ये कीड़े मकोड़े ये गटर में उतरने को तैयार है, तो सरकार क्यों मशीन लाएगी हमारे लिए? तो आप लोग अपनी ताकत को पहचानो। चुनाव गया भाड़ में, वोट लगा देना नहीं देना वो भी गया भाड़ में। अपना आत्मसम्मान तो थोड़ा पैदा करो कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये करने नहीं देंगे। हम यहाँ आए, हमको क्या फायदा, क्यों गला खराब कर रहे हैं? तो हम भी दलित समाज से आते हैं और हमको इस बात का नफरत है कि हमारे भाई बहन ये काम करने के लिए मजबूर है, इसलिए गला खराब कर रहे हैं। ये सारी मेरी माँ है कि नहीं? मुझे पसंद आएगा कि मेरी माँ झाड़ू लगाए किसी और के घर में जाके? मैं भेजूंगा मेरी माँ को। आप भी बंद करिए। और ये कब होगा? जब सारे सफाई कर्मियों का पूरे बिहार का एक यूनियन बने और पूरे बिहार के, पूरे बेगूसराय के, पूरे पटना के सारे सफाई कर्मी एक साथ तय करे, इस तारीख को इतने बजे झाड़ू रख दिया, फिर दुनिया की कोई भी ताकत बोले हम झाड़ू उठाएंगे नहीं, तो सरकार घुटने टेक देगी आपके सामने, यहां आएगी, यहां हाथ जोड़कर आएगी कि नहीं आएगी? तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं, यदि आपने झाड़ू रख दिया और आप लोग हड़ताल पर गए कि इतना पगार चाहिए वरना काम करेंगे नहीं, उस दिन आपके बीच में कन्हैया कुमार आकर खड़ा रहेगा, इस बात की गारंटी देने के लिए आया। और हमारा फोटो वोटो भी ले लो, कल को यदि आप हड़ताल करें और कन्हैया कुमार आपके बीच में ना आए आपका समर्थन करके, तो हमको भी आप गाली दे रहे, ठीक है? तो उन लोगों को वोट करना सीखो जो गरीब के हमदर्द बने। उन लोगों को थप्पा लगाओ, आंख बंद करके वोट मत दो, थोड़ा समझना चालू करो। उसकी माँ आंगनवाड़ी की सेविका है, आप जैसे मकान में रहते हैं ऐसे मकान में वो रहता है, आज भी डिहट में, मालूम है ना? तो यदि वो जीता तो वो आपके दुख दर्द में आएगा, आपने कल तुमको हड़ताल किया तो आपके साथ आकर खड़ा रहेगा। लेकिन उससे भी आगे हमारा तो ये कहना है कि कल को मैं आऊ ना आऊ, कल को कन्हैया कुमार आए ना आए, आप अपने आने वाले भविष्य के लिए अपनी एकता को प्रस्थापित कीजिए, कायम कीजिए अपनी एकता को। सारे लोग एक हो जाओ, सारे सफाई कर्मी और पूरा बिहार का सफाई कर्मी जिस दिन एक हो जाएगा ना, कोई भी पार्टी की सरकार हो आपको महीने का 50,000 रुपया पगार देना पड़ेगा, वरना साफ कौन करेगा, ठीक है? तो यही कहकर हमारी बात खत्म करते हैं। गुजरात से कन्हैया के लिए वोट मांगने तो आए हैं, वो तो मांगेगी पूरे बेगूसराय में घूमकर, लेकिन यह बात भी आपको समझाना चाहते हैं, हमारे लिए नहीं, कन्हैया के लिए भी नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सफाई कर्मी सारे एक हो जाओ, संगठन बनाओ और इस बात की प्रतिज्ञा लो कि जीवन में कभी सफाई का काम करेंगे नहीं, तभी हमको इस उत्पीड़न से, इस अत्याचार से, इस गंदगी से मुक्ति मिलेगा, ठीक है? यही बात आपके बीच में कहना चाहते हैं। और यदि आपको हमारी बात में सच्चाई लगे कि गुजरात से जिग्नेश भाई आए
और सही बात कह रहे हैं, तब जाकर हसुआ बाल के निशान पर थप्पा लगाना, बाकी आपकी मर्जी, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ना आप हमारे मालिक है, ना हम आपके मालिक हैं। मैं अपना विचार आपके बीच में रखा, आपके भी विचार स्वतंत्र है, लेकिन इस बात का गारंटी लेते हैं कि कल को सरकार के खिलाफ आपको लड़ना होगा तो बीहट का ये बेटा आपके बीच में आकर खड़ा रहेगा, आपके संघर्ष में भागीदार बनेगा, आपके दुख दर्द को बांटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम।